Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, SISTec-Ratibad. We are discussing the unit number 5, that is gears, and we are discussing the topic gear drills. In the previous lecture, we had covered the topic that what actually is the gear drills and the types of gear, that is the simple gear drill, compound gear drill, reverted gear drill, and epicyclic gear drill. Now, in this video lecture, we'll discuss that is numericals on the compound gear drill, reverted gear drill and the epicyclic gear drill. Here is the first example. This is based on the compound gear drill. The gearing of a machine tool is shown in figure. Okay, figure you had given in the question. The motor shaft is connected to gear A and rotates at 975 RPM. Okay. The gear will be C, B and E are fixed to parallel shaft rotating together. Okay, the final gear F is fixed to the output shaft. What is the speed of gear F? The number of teeth on each gear are S on given below. मतलब हमें क्या given है कि we have to given कि A पे gear A driving gear हो गया, gear F driven gear हो गया. और ये दोनों क्या हो गया? B, C और E, D क्या हो? Compound gear हो गया. Okay, they had given the number of teeth of all the gears. Actually, gear A का हमको क्या दिया है? RPM given है, speed given है gear A की, and हमें number of teeth सभी gear के, for example, A, B, C, D, E, F के सभी के 20, 50, 25, 75, 26, 65, ये सबके number of teeth given है. What actually we have to find, हमें क्या find करना? What is the speed of gear F? Gear F की speed क्या है? हमें पता है कि ये driving gear हो गया, driven gear हो गया. Speed ratio हमको पता है. Speed ratio क्या होता है compound gear का? Na upon AF, that is the speed of the driving gear upon speed of the driven gear is equal to number of teeth on the driving gear, driven gear, the product of number of teeth on the driven gear, product of number of teeth on the driven gear upon product of teeth on the driver gear. अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जैसे A gear है, A drive है, driver है, कैसे driver? ये drive कर रहा है, किसको drive कर रहा है? B को. B कौन सा gear हो गया? Driven gear हो गया. B के साथ में आपका C ऑटोमेटिकली A के साथ में तो ये रोटेट कर रहा है. C किसको रोटेट कर रहा है? D को रोटेट कर रहा है. तो C क्या हो गया? ड्राइवर हो गया. किसके लिए? D के लिए. C ड्राइवर हो गया, D क्या हो गया? ड्रिवन गियर हो गया. अब D के साथ में E सेम शाफ्ट पे अटैच है, E भी रोटेट कर रहा है, तो E किसको रोटेट कर रहा है? F को रोटेट कर. तो E क्या हो गया? ड्राइवर हो गया. और F क्या हो गया? ड्रिवन गियर. तो यहां पे ड्राइवर कौन कौन से होगा? A, C एंड E आर द ड्राइवर गियर्स एंड B, E एंड एफ आर द ड्रिवन गियर. क्या हो गया? नंबर ऑफ टीथ ऑन द. हम क्या करेंगे? टी डी एंड एफ, बी डी एंड एफ, बी डी एंड एफ क्या हो गया? ड्रिवन गियर हो गया. ए सी एंड ई क्या हो गया? ड्राइवर गियर हो गया. जब हम नंबर ऑफ टीथ पुट करेंगे, व्हाट विल गेट? एन ए अपॉन एन एफ इज इक्वल टू 18.75. मुझे एन ए की वैल्यू गिवन है, तो एन एफ की वैल्यू क्या होगी? एन ए अपॉन 18.75 दैट इज 52 आरपीएम. तो मुझे क्या निकालना था? स्पीड ऑफ गियर एफ निकालना था, दैट इज 52 आरपीएम. ओके, दिस इज द केस ऑफ द कंपाउंड गियर ड्रिल. कंपाउंड गियर ड्रिल में हमें नंबर ऑफ टीथ पूछता है, कुछ भी गिवन हो, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ द लास्ट ड्राइवर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर्स. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन रिवर्टेड गियर ड्रिल. अब रिवर्टेड गियर क्या होता है? एक्चुअली हमने पहले समझा था, रिवर्टेड गियर ड्रिल में क्या होता है? ड्राइवर और जो ड्रिवन शाफ्ट होती है, वो दोनों एक ही एक्सिस पे होती है, कोएक्सियल शाफ्ट होती है. कोएक्सियल में क्या कहा जाता है? नॉर्मली हमने फिगर थोड़ा आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, अगर हमने देखा तो क्या था कि ड्राइवर गियर होता है, ड्राइवर के साथ में एक गियर कपल होता है, कंपाउंड गियर होता है बी और सी, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे होते हैं. ड्राइवर गियर से आपका बी गियर रोटेट करता है, मैस में होता है, बी के साथ में सी अपना रोटेट करता है, सी के साथ में आपका डी रोटेट करता है. ओके, तो ए से बी रोटेट करा, बी और सी सेम शाफ्ट में होते हैं, सी से डी रोटेट करता है. ओके, तो ए और जो बी गियर होते हैं वो सेम कोएक्सियल शाफ्ट पे होते हैं, डायरेक्शन एक होता है, एक शाफ्ट नहीं होती है, डायरेक्शन एक होता है कोएक्सियल. यहाँ पे क्या गिवन है? द स्पीड रेशियो ऑफ द रिवर्टेड गियर ट्रेन इज 13.5. स्पीड रेशियो क्या हो गया? एन ए अपॉन एन डी. एन ए अपॉन एन डी क्या हो गया? स्पीड 13.5, सॉरी फिगर 13.5 है ये, इज टू बी 12. एन ए अपॉन एन डी कितना है? 12 है. द मॉडल पिच ऑफ गियर ए एंड बी 3.25 mm एंड द मॉडल मॉडल कितना है? एम की वैल्यू ऑफ गियर ए और बी, ए और बी का कितना? 3.125 है. वही सी ओ डी का कितना? 2.5 है. कैलकुलेट द सुटेबल नंबर ऑफ टी फॉर द गियर. मतलब मुझे टी ए टी बी सी डी टी डी निकालना है इफ नो गियर इज टू बी लेस देन 24. किसी भी गियर की
24 30 से लेस नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं क्या कैलकुलेशन का क्या आता है। ओके हमें गिवन क्या क्या स्पीड रेशियो एन ए अपॉन एन डी गिवन है 12, एम ए एम पी इज इक्वल टू 3.125, एम सी एम डी इज इक्वल टू 2.5 mm, ठीक है। एन ए स्पीड ऑफ गियर ए हो गया, एन ए की मतलब नॉर्मल से ए ए क्या हो गया गियर ए की बात करते हैं, एन ए क्या हो गया स्पीड ऑफ गियर, टी ए नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, आर ए पिच सर्कल रेडियस, पी सी डी आर ए क्या हो गया पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर ए। सिमिलरली एन बी एन सी एन डी टी बी सी डी टी डी आर बी आर सी आर डी ये सब क्या हो गया स्पीड नंबर ऑफ टीथ एंड पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर्स हो गया रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एन ए अपॉन एन डी गिवन कितना है, एन ए अपॉन एन डी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन डी इज इक्वल टू 12 गिवन है आपको। जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ व्हाट विल गेट, अगर मैं इन दो गियर ट्रेन की बात करता हूँ तो एन ए अपॉन एन बी इन टू एन सी अपॉन एन डी लिख सकता हूँ, एन ए अपॉन एन बी इज एन ए अपॉन एन बी इन टू एन सी अपॉन एन डी इज इक्वल टू 12 आएगा, इक्वल 12 आएगा। और वही मैं क्या लिख सकता हूँ एन ए अपॉन एन बी और एन सी अपॉन एन डी बराबर है, एन ए अपॉन एन बी और एन सी अपॉन एन डी बराबर है। तब जब ये दोनों बराबर है नॉर्मल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था अंडर रूट 12 था, एन ए अपॉन एन बी इंटू एन सी अपॉन एन डी कितना 12 था। जब ये एन ए अपॉन एन बी और एन सी अपॉन एन डी बराबर है तो क्या हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट करूंगा मैं इक्वल करूंगा इंडिविजुअल एक की बात करूँ तो अंडर रूट 12 हो जाएगा, तो एन ए अपॉन एन बी ले लूँ या एन सी अपॉन एन डी कितना हो जाएगा 3.464 हो जाएगा। ओके हमें एक और रेशियो पता है कि जो टीथ का होता है, टीथ हमेशा रेसिप्रोकल में चलते हैं, जो स्पीड रेशियो होते हैं किसी भी गियर के उसका जो टीथ होता है उसका इनवर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एन ए अपॉन बी को हम एन बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी बी अपॉन टी ए, टी डी अपॉन टी सी इक्वल टू 3.464 हो जाएगा, ठीक। हमने बेसिक क्वेश्चन समझी थी कि आर ए प्लस आर बी जो सेंटर डिस्टेंस होता है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी अपॉन आर डी होता है, सेंटर डिस्टेंस बराबर होता है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी हम देख रहे हैं दोनों बराबर है, इज इक्वल टू किसके 200 mm के बराबर है, एक्स सेंटर डिस्टेंस हो गया, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी 200 mm हो गया। ओके जब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा आर ए की वैल्यू पता मुझे एम टी बाई टू हमने पढ़ा है, आर ए क्या होता है एम टी बाई टू आर एम टी बाई टू आर इज इक्वल टू एम ए टी ए बाई टू एम बी टी बी बाई टू एम सी टी बी बाई टू प्लस एम डी टी डी बाई टू इज इक्वल टू 200। ओके जब मैं इंडिविजुअल सॉल्व करूँ एम ए की वैल्यू पता है मुझे एम बी की वैल्यू पता है, इंडिविजुअल इस इक्वेशन को 200 के साथ कंसीडर करूंगा, इस इक्वेशन को साथ 200 के साथ कंसीडर करूंगा, वैल्यू एमसी की और एमडी की पुट करूंगा, व्हाट विल गेट 3.125 टीए टीबी इज इक्वल टू 2.5 टीसीडी इज इक्वल टू 400, हमने वैल्यू पुट कर दी 2 को हमने यहां लिख लिया। जब इंडिविजुअल इक्वेशन टीए प्लस टीबी की इक्वेशन आ गई, टीसी प्लस टीडी की इक्वेशन आ गई, ओके टीए प्लस टीबी की एक इक्वेशन आ गई, टीसी प्लस टीडी की एक इक्वेशन आ गई। यहां मुझे वैसे ही पता है टीबी इज इक्वल टू 3.464 टीए, TD is equal to 3.464 TC, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ TB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा TB और TA की वैल्यू मिल जाएगी, TA मिल जाएगा TB मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि जब TB इस इक्वेशन में TB की वैल्यू 3.464 इंटू TA सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा TA प्लस 3.464 TA हो जाएगा 128, TA क्या हो जाएगा 128 अपॉन 1 प्लस 3.464 हो जाएगा, डिवाइड 4.464 कितना हो जाएगा 28.6 मतलब 28 या 29 कुछ भी कह सकते हैं इसको, टी आ गया। अब सिर्फ इस इक्वेशन में मैं टी की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास टी भी आ जाएगा। सिमिलरली टी सी प्लस टी डी इज इक्वल टू 160 में मैं ये पुट कर दूंगा टी डी इज इक्वल टू 3.464 टी सी वैल्यू आ जाएगी, मैं टी डी वैल्यू कहते हैं 120, मेरे पास चार एंगल्स आ गए, आपके पास चारों के तीत आ गए टी ए टी बी टी सी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि चारों के तीत मिनिमम 24 होना चाहिए, कम से कम 24 तो होना चाहिए, लेकिन सबकी वैल्यू 28, 100, 36 सबकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब ये हमारा आंसर सही है। रिवर्टेड गियर ट्रेन में 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं, इसी पे पूरा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड करता है। ओके ये फॉर्मूले गो थ्रू करना है, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास। ओके नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आरजीबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में बेसिकली हमने बात की थी, इसमें आर्म लगी होती है तो दो गियर्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि आर्म भी रोटेट करती है इसमें, इसमें आर्म भी रोटेट करती है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अगर आर्म को फिक्स कर दूंगा तो सिंपल गियर ट्रेन होगा, ये गियर ए रोटेट कर रहा है, गियर भी रोटेट कर रहा, वहीं अगर गियर ए को मैं फिक्स कर दूंगा क्या करेगी आर्म भी रोटेट करेगी और ये जो बी गियर होगा इसके ऊपर ओवर एंड अराउंड इसके सराउंड में ये रोटेट करेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बी को फिक्स कर दूंगा
क्या करेगा, ये ए गियर बी के ऊपर रोटेट करेगा, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स कॉमन है जो आरजीबी में पूछता है, बहुत सारे तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दिस इज अ बेसिक न्यूमेरिकल वी आर डीलिंग विद, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल हम अप्रोच समझ रहे हैं इसकी कैसे करते हैं, बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको खुद को करके देखना पड़ेगा, ओके। व्हाट दे हैड गिवन इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एंड आर्म्स कैरीज टू गियर्स एंड वी हैव 36 एंड 45, टी ए गिवन है 36, टी बी गिवन है 45, ओके। इफ द आर्म रोटेट्स एट 150 आरपीएम, मतलब आर्म सी की वैल्यू कितनी गिवन है, आर्म सी एन सी कितना 150 आरपीएम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ द गियर ए व्हिच इज फिक्स्ड, सेंटर ऑफ द गियर ए व्हिच इज फिक्स्ड, ओके। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी, डिटरमाइन द स्पीड, अगर ये गियर ए को मैं फिक्स्ड कर देता हूं, आर्म को मैं 150 आरपीएम से रोटेट करता हूं, तो मुझे गियर बी की वैल्यू निकालना है, स्पीड गियर बी कितने आरपीएम से रोटेट करेगा, ठीक है। इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, दूसरी कंडीशन है, इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मेक्स 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट विल द स्पीड ऑफ गियर बी, इस गियर बी की स्पीड क्या होगी अगर गियर ए आपका फिक्स्ड नहीं है 300 आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो, ठीक है। नाउ जब भी हमें गियर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात करते हैं तो वी आर हैविंग टू मेथड, एक होती है टेबुलर मेथड होती है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड होती है, वी आर यूजिंग टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड से ही हम लोग हर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये जो टेबल होता है ये कांस्टेंट टेबल, ये हर बार आपको बनाना है, सिर्फ जो आपकी गियर बी गियर सी की जो कंपाउंड गियर वाली पोजिशन होती है ये थोड़ी आपकी वेरी करेगी, एक्चुअली जो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे, ये कॉम्पोनेंट पूरे सेम होंगे। कॉम्पोनेंट्स क्या, सबसे पहले आर्म फिक्स कर देंगे, आर्म फिक्स को आर्म को फिक्स कर देते हैं, गियर ए को रोटेट करते हैं प्लस वन रिवोल्यूशन से एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं आर्म फिक्स कर दी मैंने तो आर्म सी क्या हो गया, जीरो हो गया, गियर ए की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस वन हो गई। अब गियर बी, जब भी मैं बात करता हूँ गियर बी की तो गियर बी अपोजिट टू द एक डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो हमेशा माइनस आएगा। और जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि गियर ए को फिक्स कर रहा हूँ, गियर ए को रोटेट कर रहा हूँ, तो गियर बी की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी गियर बी के टर्म्स में लिखना हो तो गियर बी हमेशा नीचे आएगा, टी ए अपॉन टी बी आएगा, किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, कि ए के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, ए के रेस्पेक्ट में मैं बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो जिसके रेस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू निकालू हमेशा वो नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल गियर बी की बात करूँ, गियर बी क्या करें, टी बी हमेशा नीचे आएगा। डायरेक्शन क्या है, प्लस वन रिवोल्यूशन एंड किसको घुमा रहा हूँ, मैं गियर ए को घुमा रहा हूँ, तो गियर बी ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज को मैं यहाँ नेगेटिव लेता हूँ, हम उल्टा करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि गियर ए को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो गियर बी कैसा घूमेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, आर्म को मैं फिक्स कर देता हूँ, गियर को ए को रोटेट करता हूँ प्लस एक्स से, आर्म तो फिक्स है, गियर ए को जब मैं प्लस वन से रोटेट करता हूँ प्लस एक्स से करता हूँ, प्लस एक्स को जाकर जीरो, गियर ए प्लस एक्स से हो गया, गियर बी कितना होगा माइनस एक्स इंटू टी ए प्लस टी बी, जो भी था उसमें एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड प्लस वाई रिवोल्यूशन टू ऑल द एलिमेंट, कुछ अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को ऐड कर रहा हूँ, प्लस वाई सब जगह ऐड करूँगा तो टोटल मोशन क्या हो जाएगा, आर्म का कितना रिवोल्यूशन हो गया, वाई हो गया, गियर ए का क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, गियर बी का क्या हो गया, वाई माइनस एक्स इंटू टी ए बाई टी बी हो गया, ओके। अब मैं कंडीशन पुट करूँ, ये तो जनरल कॉमन टेबल होता है, कंडीशन पुट करता हूँ। सबसे पहले कंडीशन है स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन गियर ए इज फिक्स्ड, जब गियर ए फिक्स्ड है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, गियर ए फिक्स्ड है कोई मोशन नहीं कर रहा तो एक्स प्लस वाई कितना, जीरो हो गया, एक्स प्लस वाई जीरो हो गया, ओके। आर्म सी भी फिक्स्ड है, वाई आर्म सी की वैल्यू सॉरी स्पीड ऑफ द आर्म सी की वैल्यू कितनी है, 150 आरपीएम गिवन है, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 150, जब 150 पुट कर दूंगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, वाई 150 पुट कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 150 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू माइनस 150 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू मुझे वाई माइनस एक्स टी ए बाई टी बी, मुझे टी ए और टी बी गिवन है, सॉरी टी ए और टी बी गिवन है, स्पीड ऑफ एन बी क्या हो जाएगी, वाई माइनस टी ए अपॉन टी बी, तो मुझे सब वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू एन बी की वैल्यू कितनी जाएगी, 270 आरपीएम, ओके 270 आरपीएम प्लस आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। सिमिलरली मैं सेम पुट करूंगा, जब मुझे स्पीड ऑफ गियर बी निकालना है व्हेन गियर ए मेक्स 300 आरपीएम, तो मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया, माइनस 300 हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस वाई हो गया, ठीक है। मुझे वाई की वैल्यू भी गिवन थी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, अब डायरेक्ट माइनस 450 आ गया। सिमिलरली एनबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू मुझे पता है, एक्स की वैल्यू अब यहाँ कुछ अलग आई है, टी ए टी बी वैल्यू पता है कितना आ गया, आपका एनबी कितना आ गया, 510 आरपीएम एंटी क्लॉक वाइज, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव है। सिमिलरली सेम ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, कन्फिग्रेशन हमको अलग अलग गिवन होता है, आपको प्रैक्टिस करना है। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर इन न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत होती है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, और ये इंपॉर्टेंट है आरजीबी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करना, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप पे। थैंक यू।
Thank you.